नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी का स्ट्रेट जीरो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दैट एवरीवन ऑफ यू मस्ट बी रियली वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम में मदद करने के लिए दोस्तों मैं लेकर आया हूं एक ऑसम लेक्चर हमारे पेपर टू की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे जो पेपर टू का सिलेबस है वो। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक 1.1 के बारे में, जिसके ऊपर मैं अभी तक 10 ट्यूटोरियल्स पब्लिश कर चुका हूं, सॉरी 10 नहीं, इन टोटल 9 कर चुका हूं, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी दी 10th वन। अभी तक के लेक्चर में जो भी हमने कवर किया और जो पिछले लास्ट 2-3 लेक्चर में हमने स्पेशली कवर किया, दैट वॉज दी फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे पार्ट 3 में दिए हुए हैं। पार्ट 3 के अभी तक हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 28 तक कवर कर चुके हैं। आज हम इसी के आगे से देखना शुरू करेंगे, यानी आर्टिकल नंबर 29 ऑनवर्ड्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट हैव अ क्विक लुक ऑन आवर सिलेबस। दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो पेपर 2 का सिलेबस, जिसमें ये जो टॉपिक 1.1 है, जिसमें से हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देर आफ्टर वी सॉ प्रीएम्बल कि ये प्रीएम्बल क्या है, एंड देन आफ्टर दैट वी डायरेक्टली जंप ऑन टू द फंडामेंटल राइट। ये बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम बाद में देखेंगे, इज इट ओके? तो चलिए दोस्तों अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं। व्हाट इज दैट नोट? कि देखिए जो मैं क्वेश्चंस आपसे लेक्चर के दौरान पूछता हूं आप उनके जवाब दीजिए, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। उससे दो फायदे हैं। एक फायदा तो आपको है कि आपकी नॉलेज बेस इंक्रीज होगा। जो भी क्वेश्चंस के जवाब आप खुद से टाइप करते हो, ढूंढते हो, तो वो ज्यादा गहरा और ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठता है। दूसरी चीज, जब आप क्या कहते हैं ये जवाब देते हो तो उससे मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप उनके जवाब देते हैं और आप मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो प्लीज, ये एक तरीके से डील है जिसमें हम दोनों को अपने पार्ट का काम करना है। तो आप लोग प्लीज जवाब लिखिए। प्लस कुछ लोग आप में से अभी आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिया है और वो आंसर लिख भी रहे हैं, तो मैं इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं, बेस्ट विशेस देना चाहता हूं कि वो इसी तरीके से इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। आप में से कुछ लोग जवाब जो लिखते हैं मेंस के, वो कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। देखिए ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको पेन और पेपर पे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। उससे क्या होगा, एक तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेवलप होगी, प्लस आपको एक एग्जाम के एटमॉस्फेयर का भी पता चलेगा। ठीक है, तो आप, मैं यही एडवाइस करूंगा, पेन एंड पेपर पे लिखें, और लिखने के बाद या तो मुझे ईमेल करें, जो आप यहां पे राइट बॉटम कॉर्नर में देख रहे हो ना ईमेल आईडी, इस पे मुझे मेल कर दो, या फिर आप मुझे क्या कर दो, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको, अभी तो मैं आपको इंडिविजुअल रिव्यू भेज रहा हूं कि आपके आंसर में जो भी कमी है वो मैं खुद बता रहा हूं अभी आपको। प्लस इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द एक आंसर राइटिंग सीरीज रन करूंगा, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन आंसर में क्या कमियां हैं और आपको किस तरीके से अपने आंसर को इंप्रूव करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो प्लीज डू फॉलो दिस प्रैक्टिस। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हाँ, तो दोस्तों आप अभी ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये हमारी है लक्ष्मीकांत, जो हमारा GS2 का सिलेबस है उसका मोस्ट ऑफ दी पोर्शन जो है वो हम लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं। एंड बाय, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी पीपल जो सक्सेसफुल एस्पायरेंट हैं या बड़ी कोचिंग्स हैं या बड़े टीचर्स हैं जो ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, एवरीवन सजेस्ट कि लक्ष्मीकांत इज बेस्ट। इनफैक्ट ये मेरा खुद का भी ओपिनियन है। इसके अलावा अगर आप और कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो यू आर वेरी वेलकम, आप अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर मैं लक्ष्मीकांत से आपको कवर करवा रहा हूं। अभी तक हम लक्ष्मीकांत के किन चैप्टर्स के ऊपर बात कर चुके हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देर आफ्टर वी सॉ दिस सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और उनमें उनकी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या क्रिटिसिजम्स हैं। देन आफ्टर वी सॉ दिस चैप्टर ऑन द प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज अ प्रीएम्बल, उसके क्या इंग्रेडिएंट है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, और हमारे प्रीएम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, वेदर अ प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, वेदर प्रीएम्बल इज अमेंडेबल और नॉट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, राइट? नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद जो चैप्टर 5 और 6 है, दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज बेस यू आर वेरी वेलकम टू रीड दैम, बट आई एम नॉट कवरिंग दीज टू चैप्टर्स। देन आफ्टर वी स्टार्टेड यू नो गोइंग थ्रू दिस चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। सो फार इन दी फंडामेंटल राइट के चैप्टर में हमने देखा कि फंडामेंटल राइट के क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, एंड देयर आफ्टर वी सॉ सम ऑफ दी राइट्स, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आते हैं उनको हमने देखा, फिर राइट टू फ्रीडम जो 19 से 22 के बीच में आते हैं, उसके बाद हमने देखे थे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 एंड 24 है, फिर हमने बात की थी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच कम्स अंडर आर्टिकल 25 टू 28। देयर आफ्टर
जो आज हमें हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए ठीक है. जिन लोगों ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे, आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट एंड देन जंप ऑन टू दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कौन से? जो दो आर्टिकल आपके आर्टिकल यानी 29 एंड आर्टिकल 30 जो है वो इस हेडिंग के अंडर में आते हैं. आर्टिकल 29 क्या कहता है? कोई भी हमारी हमारी कंट्री में कोई भी ऐसा सिटीजन जो रिसाइड कर रहा है किसी भी पार्ट में, वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, कंजर्व कर सकता है. ठीक है, ये उसका राइट है. कोई इसे मना नहीं कर सकता कि वो अपनी लैंग्वेज को क्यों सहेज के रख रहा है. नो सिटीजन इज डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकते हैं कि हम इसकी इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भर्ती नहीं कर रहे हैं. पर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा? या तो वो स्टेट मेंटेन कर रहा है, मतलब जिसके लिए या तो स्टेट उसकी देखरेख कर रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है. तो ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जा सकता है सिर्फ ये कह के कि आपका रिलीजन ये है, आपकी रेस ये है, आपका कास्ट या लैंग्वेज ये है. इज इट क्लियर? तो ये जो पहला वाला प्रोविजन जो जिसके बारे में अभी हमने बात की, ये बात करता है ग्रुप राइट ऑफ द ग्रुप के बारे में, मतलब कि आप अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को सहेज के रख सकते हो. और जो दूसरा वाला पार्ट है कि किसी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा, ये इंडिविजुअल राइट के बारे में बात कर रहा है. सो इट टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ बोथ ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल. इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद जो आर्टिकल 29 है वो प्रोटेक्शन ग्रांट करता है रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी दोनों को. ठीक है, ये जो आर्टिकल 29 है कि कोई भी सेक्शन ऑफ ग्रुप अपनी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज वगैरह को सहेज के रख सकता है. तो ये जो राइट है, ये कौन सी माइनॉरिटी? एक तो रिलीजियस माइनॉरिटी. इंडिया में कितनी रिलीजियस माइनॉरिटी है? टोटल 6, राइट? तो उन 6 माइनॉरिटी अपनी स्क्रिप्ट को सहेज के रख सकते हैं, लैंग्वेज को सहेज के रख सकते हैं, कल्चर को सहेज के रख सकते हैं. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब जो लैंग्वेज माइनर लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज को रख सकते हैं. लेकिन इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है, यहां पे जो सेक्शन ऑफ ग्रुप है उसका मतलब सिर्फ माइनॉरिटी अकेला नहीं है, सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब मेजोरिटी भी है. मतलब जो हिंदूज इंडिया में आज मेजोरिटी में है, तो अगर ये अपने कल्चर को सहेज के रखना चाहते हैं तो इन्हें भी कोई रोक नहीं सकता. ठीक है, तो यहां पे जो सेक्शन ऑफ सिटीजन यूज किया गया है इस आर्टिकल में, दैट इंक्लूड्स बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी. दिस इज अ वेरी रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन दिस आर्टिकल एंड दी अपकमिंग आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 30. ये बात याद रख लेना अच्छे से. अच्छा, अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि जो लैंग्वेज को कंजर्व करना ये राइट है, और इस राइट में आपका एगिटेशन, मतलब अगर मान लीजिए आपकी लैंग्वेज के पे किसी भी किस्म का दबाव आ रहा होगा तो उसके ऊपर आप एजिटेशन भी कर सकते हो. उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिशियन चुनाव के टाइम पे स्पीचेस देता है कि हम तुम्हारी लैंग्वेज को कंजर्व करके रखेंगे, हमें वोट दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई करप्ट प्रैक्टिस को अपना रहा है, और ये कोई करप्ट प्रैक्टिस मानी भी नहीं जाएगी अंडर आरपीए 1951. इज इट क्लियर? अब आते हैं हम आर्टिकल 30 के ऊपर, जो कि किसके जो क्या बोलता है कि किसी भी माइनॉरिटी के पास राइट है अपने अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को सहेजने के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करे और एडमिनिस्टर करे उसको. तो आर्टिकल 30 जो है वो स्पेसिफिकली माइनॉरिटी से रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 29 माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए है. तो यहां पे सारी माइनॉरिटी इंडिया में, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या फिर आपकी वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. प्लस अगर मान लीजिए स्टेट जो है अगर किसी भी माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को जब्त करती है या एक्वायर करती है, तो इस केस में उनको कॉम्पनसेशन देना होगा. ये उनका एक फंडामेंटल राइट है. भले ही राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, बट ये चीज अभी तक आज तक राइट है कि माइनॉरिटी की अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जमीन को लिया जाता है स्टेट के द्वारा, तो उनको क्या कहते हैं, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा. ठीक है, और इस राइट को ना ही रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ना एब्रोगेट किया जा सकता है. आर्टिकल 44 जो है उसने क्या कहते हैं, ये जो माइनॉरिटी का राइट है इसको, मतलब ये वाला जो पार्ट है कि उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से ऐड किया गया था. क्यों किया गया था? क्योंकि इससे पहले तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सबके पास था, लेकिन 44th की मदद से जो ये 19(1)F के अंडर में आता है या आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी आता था उसको तो डिलीट कर दिया, लेकिन माइनॉरिटी को बचाए रखने के लिए ये ऐड कर दिया था अंडर आर्टिकल 30. और जो एक्ट है राइट टू प्रॉपर्टी उसको डिलीट कर दिया गया था आर्टिकल 31 के तहत. अच्छा, और उसके अलावा अगर मान लीजिए सरकार किसी एड देती है किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को, तो ये इस एड को देते वक्त, एड का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प वगैरह देते वक्त, किसी भी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में, कि भाई ऐसा नहीं करेगी कि बुद्धिस्ट और जैन को ज्यादा दे दिए और सिखों को कम रुपए दिए. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा.
सो दीज आर दी थ्री इंपॉर्टेंट प्रोविजन अंडर आर्टिकल 30. अब आप इसमें एक बात याद रखना, जो आर्टिकल 30 है दैट इज कन्फाइंड ओनली टू दी माइनॉरिटीज, नॉट टू दी मेजोरिटी. इट इज नॉट एक्सटेंडिंग टू एनी सेक्शन ऑफ दी सिटीजन. उसके अलावा माइनॉरिटी जो शब्द है वो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है. उसके अलावा जो आर्टिकल 30 है उसमें माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी के राइट में और क्या चीज आती है कि वो अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, कोई सी भी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो एक तरीके से जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, वो सब अगर आप पढ़ते हो ना तो उसमें आप इससे कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो. मैं समझाता हूं. देखिए, हमारे यहाँ थ्री लैंग्वेज फार्मूला चलता है. थ्री लैंग्वेज फार्मूला का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, कोई पेपर होता है, तो उसमें इंग्लिश होगी, ठीक है. कोई भी स्टेट है तो वहां पे एक तो इंग्लिश होगी, एक उस स्टेट की लैंग्वेज होगी जो भी उनने रिकॉग्नाइज कर रखी होगी, ठीक है. मतलब सॉरी, अभी मैं बता रहा हूं कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसके तहत इंग्लिश होगी, हिंदी होगी और जो भी बाकी स्टेट लैंग्वेज होगी, ये तीन लैंग्वेज को फॉलो करना होता है. या फिर कोई भी स्टेट होती है, अगर मान लीजिए वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस नोटिफिकेशन देती है, तो एक उसे इंग्लिश की कॉपी रिलीज करनी होगी, एक हिंदी की और एक स्टेट लैंग्वेज की, जो भी उन्होंने अपना रखी है. उसके अलावा कोई भी अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं, तो वहां पे ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि जो भी वहां की माइनॉरिटी की लैंग्वेज है वो वहां पे हो अवेलेबल, ठीक है. सिर्फ ये कह के नहीं बोल दिया जा सकता कि क्या कहते हैं भाई ये लैंग्वेज नहीं है तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे आर्टिकल जो 30 है, जो माइनॉरिटी अपनी ही लैंग्वेज में अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अब देखिए, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो तीन कैटेगरीज में आते हैं. एक, माइनॉरिटी के ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया और जिनको स्टेट पैसे देती है. दूसरे, इस किस्म के जिनको बस स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है और पैसे नहीं देती. और तीसरे वाले वो ना जिनको रिकॉग्निशन दिया है और ना पैसे देती है. तो अब अगर इन पहले और दूसरे वाले जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके केसेस में सरकार के पास रेगुलेटरी पावर है कि मतलब वहां पे बता सकती है ये सिलेबस चलाओ, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करो, इस किस्म का डिसिप्लिन मेंटेन करो, इस किस्म का सैनिटेशन प्रैक्टिसेस करो. लेकिन जो तीसरा वाला होता है सिर्फ उनको एडमिनिस्टर कर सकती है. मतलब वहां पे सिलेबस का डिसीजन वो लोग खुद लेंगे, पर सरकार देखेगी कि इसमें किसी किसी मतलब सरकार ये देखेगी कि जो सिलेबस है या जो लॉ बनाए रखे हैं उन लोगों ने, उनको प्रॉपर पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, या किसी भी किस्म का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है. तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, ठीक है. बट सब्जेक्ट टू दी ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ. जनरल लॉ का मतलब कि लेबर लॉ को वायलेट नहीं कर रहे, इंडस्ट्रियल लॉ को वायलेट नहीं कर रहे, वो वाली बात है. इज इट ओके? चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 यानी जो रिलीजियस यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले आर्टिकल में पढ़ा रहा था, तो उसमें जो मैंने आपको आर्टिकल नंबर कौन सा बताया था, 26 वाला बताया था, या सॉरी 26 बताया था या फिर 28 वाला, सॉरी 28 नॉट 26, 28 वाला मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कोई भी रिलीजियस ग्रुप होगा तो वो अपना स्कूल चला सकता है, ठीक है. उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है किसे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से, तो उसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने कितने पार्ट में डिवाइड की गई है, तीन में, मतलब तीन टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बताए थे मैंने, चार टाइप के, पांच टाइप के या छह टाइप के. क्लियर है क्वेश्चन? ओके, चलो इसको रफ कर दिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है. तो ये क्लियर हो गया. अब देखिए, एक क्या हुआ था, एक जजमेंट आया था. कौन सा वाला जजमेंट? जजमेंट डिलीवर्ड इन दी सेक्रेटरी ऑफ मालनकारा सीरिया कैथोलिक कॉलेज केस 2007. कॉलेज केस का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस किस्सा सुन लो, क्या है किस्सा. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर मान लीजिए कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसका एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा. माइनॉरिटी के पास पूरी फ्रीडम होगी कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकता है अपनी अपनी मर्जी से, ठीक है. उसके ये फॉलोइंग राइट है, वो अपनी गवर्निंग बॉडी को चूज कर सकता है, और मतलब जो भी गवर्निंग बॉडी में, मतलब फाउंडर को जिसमें भी मन करे. फॉर एग्जांपल, आज मैंने स्ट्रेट जीरो को फाउंड किया है, ठीक है. तो स्ट्रेट जीरो मतलब, अब अगर मैंने ये फाउंड किया है तो मैं इसके लिए कोई भी गवर्निंग बॉडी बना सकता हूं, जो कि रूल्स बनाएंगे कि जो चैनल है वो किस तरीके से रन होना चाहिए. प्लस क्या कहते हैं, जिसमें भी उसको कॉन्फिडेंस हो, फिर चाहे वो उसके ग्रुप से हो, माइनॉरिटी से हो या किसी और ग्रुप से हो, वो टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है. प्लस वो अगर मान लीजिए कोई अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है. वो एलिजिबल स्टूडेंट को एडमिट कर सकता है और फीस स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकता है. प्लस वो अपनी जो भी इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी और एसेट का यूज भी कर सकता है. अब ये जो राइट कन्फर किए गए हैं आर्टिकल 30 के लिए में, वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के साथ इक्वालिटी के साथ क्या कहते हैं, इक्वालिटी इंश्योर हो सके. मतलब ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी सफर करे, डिस्क्रिमिनेशन हो, तो बस इक्वालिटी हो ना. लेकिन इसका यह मतलब ना निकाला जाए कि माइनॉरिटीज इसका गलत फायदा उठाएं और एक तरीके से रिवर्स
डिस्क्रिमिनेशन करें मेजोरिटी के साथ, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उनको वो ऐसा ना करें कि जो, जैसे मान लीजिए आज सरकार ने जनरल लॉ के तहत ये बोल रखा है कि जो मेजोरिटी के कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं वहां पे फीस होगी, क्या कहते हैं, जो स्कूल्स हैं उनको सिर्फ 1 बजे तक ही चलना है या वहां पे 4 टीचर होंगे, तो अब ये यहां पे अगर ये रूल है, ये जनरल जो रूल है, तो वो जनरल रूल है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी को मानना पड़ेगा, ये माइनॉरिटी को भी मानना पड़ेगा कि उनको 1 बजे तक स्कूल रन करना पड़ेगा, 4 टीचर रखने पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि अगर उनको स्पेशल प्रोविजन दे दिए तो इसका वो गलत फायदा उठाएं। इज इट ओके? उसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जो जितने भी हमारे देश के जितने भी जनरल लॉ हैं वो तो माइनॉरिटी पे एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। उसके अलावा जो राइट टू स्टेब्लिश और एडमिनिस्टर का मतलब है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और ना ही इसका मतलब ये है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन हो। एब्सोल्यूट नहीं है कि का मतलब क्या हो गया, कि मतलब वो कुछ भी अपनी मर्जी का चाहें तो वैसा नहीं कर सकते हैं, और माल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि जो मतलब ढंग से काम करना है उनको गलत काम नहीं करने हैं। जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं सरकार के पास, रेगुलेटरी मेजर्स तो होंगे ही होंगे कि वो वहाँ के एजुकेशनल कैरेक्टर स्टैंडर्ड और एक्सीलेंस को इंश्योर कर सकें, उसके अलावा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चेक कर सकें, वहाँ की एकेडमिक नीड को सर्व कर, मतलब सर्व हो रही है या नहीं हो रही है उसको चेक कर सकें, उसके अलावा बच्चों के वेलफेयर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ सर्विस, इन सबको भी चेक कर सकती है सरकार। उसके अलावा इसमें जो ये रेगुलेशंस हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो 31 मतलब जो सरकार ये रेगुलेट कर रही है, तो इस रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि सरकार जो राइट दिया है माइनॉरिटी का उसके संग इंटरफेयर करे। सरकार को इंटरफेयर नहीं करना है, पर सरकार को देख रेख करनी है। मतलब जो 31 के अंडर में ये जो राइट दिए है ना माइनॉरिटी को, ये जो आपको मैंने अभी बताए थे, ऐसा नहीं है, ये राइट के संग इंटरफेयर नहीं करना है। ये राइट तो हमारे माइनॉरिटी का जो भी फाउंडर होगा उसके पास होगा, सरकार को इंटरफेयर नहीं करना है, बस रेगुलेट करना है। उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी और कंडीशन या क्वालिफिकेशन जो एक स्टेट ने बताई है, चाहे फिर वो अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, उसको भी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना होगा, ठीक है? उसके अलावा अगर मान लीजिए सरकार उनको किसी भी किस्म की एड देती है, तो इससे सरकार उसको शर्त नहीं लगा सकती कि देखो अगर आपको हमसे क्या कहते हैं ये चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो आपको ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, सरकार किसी भी किस्म की कंडीशन नहीं रख सकती है कि जो पैसे दिए उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये हो गए आपके आर्टिकल 30, ठीक है? आर्टिकल 30 किसके लिए है? ये एक तरीके से ये बताता है कि आप अपनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट या क्या कहते हैं जो कल्चर है उसको सहेज के रखने के लिए अपने खुद के इंस्टीट्यूशन बना सकते हो और चला सकते हो। अब आते हैं हम आर्टिकल 32 पे। तो फिर आर्टिकल 31 कहाँ गया? आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया था, राइट? तो इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, एक्ट के तहत डिलीट किया गया था? तो ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, सब जल्दी से आंसर दे देंगे। 44th है ना, कितना इजी है क्वेश्चन। ये है आपको ये बताना है जो आर्टिकल 31 डिलीट किया गया था, इट वॉज डिलीटेड बाय विच गवर्नमेंट? किस गवर्नमेंट के दौरान, किस गवर्नमेंट के टेनियर के दौरान आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया? बाय विच गवर्नमेंट? इज इट क्लियर? किस गवर्नमेंट के दौरान आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया था? चलो भाई ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं आज के आगे, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब आपको पता है 14 से लेके अभी तक हमने 30 तक बात की, कितने सारे को फंडामेंटल राइट है। अगर सिर्फ मैं आपको ये बोल दूं आपका ये अधिकार है, ये अधिकार है, चलो ये कैसे बात करते हैं, आपका अधिकार है कि आप मुझसे हर एक लेक्चर, एक दिन में एक लेक्चर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने आपको अधिकार दे दिया। अब मान लीजिए अधिकार दे दिया तो आप तो खुश हो गए, अरे अब तो अगर सर ने कल वीडियो अपलोड नहीं किया तो हम डिमांड कर सकते हैं सर आप वीडियो अपलोड करो, राइट? लेकिन अगर मान लो मैं अपलोड नहीं करता हूं तो आप मेरा क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो यानी जो मैंने आपको अधिकार दिया है वो खोखला अधिकार है जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैंने ये बोल दिया कि अगर कल को मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं तो आप मेरे ऊपर फाइन लगा सकते हो 10 रुपए का, आप मुझसे 10 रुपए डिमांड कर सकते हो। तो अब ये क्या है, एक तरीके से रेमेडी है। अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं तो आपको रुपए मिल जाएंगे, और अगर मैं है ना, और क्या कहते हैं, आप मेरे ऊपर केस ठोक सकते हो, राइट? आप कोर्ट में जा सकते हो। तो ये होता है रेमेडी का मतलब कि आप क्या, अगर कोई ग्रीवांस है तो उसको रिजोल्व करने का कोई प्रक्रिया, वो चीज कौन बताता है? आर्टिकल 32। तो बस अब इसी के आगे बात करते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें यह लिखा हुआ है कि जो मेरा डिक्लेरेशन जो है वो तो मीनिंगलेस है, फंडामेंटल राइट का यूजलेस है, वर्थलेस है। अगर मान लो कोई इसे वॉयलेट करेगा तो आप क्या कर लोगे? अगर कोई वॉयलेट करता है तो उसके लिए इफेक्टिव मशीनरी होनी चाहिए, यह मशीनरी आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इन अदर वर्ड, जो टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड, मतलब आपके फंडामेंटल राइट जो आपके संवैधानिक अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं उनका प्रोटेक्शन अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। और इसीलिए अंबेडकर साहब ने ये बोला था आर्टिकल 32 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर क्या है?
ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट। बस जैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट खत्म होंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो उसके बाद आएगा हमारा बेसिक फीचर वाला चैप्टर, तब हम ये बात करेंगे। अभी तो बस ये समझ लो ये आर्टिकल 32 बेसिक फीचर का पार्ट है। बेसिक फीचर का अगर कोई भी आर्टिकल पार्ट हो जाता है, कोई भी पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बेसिक फीचर का पार्ट हो जाता है, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के पास उसके ऊपर पावर नहीं है, तो ना ही उसको एब्रिज किया जा सकता है ना टेकन अवे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अच्छा, अब इसमें ये जो आर्टिकल 32 है इसमें चार इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। वो चार इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं? पहली बात तो अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ भाई, सीधे सुप्रीम कोर्ट। मतलब नॉर्मल अगर कोई लॉ का वॉलेशन होता है, नॉर्मल किसी राइट का वॉलेशन होता है, तो पहले आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अपील करते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो। लेकिन यहां पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हो। और अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है और रिट्स दे सकता है। ये जो रिट्स हैं वो पांच किस्म की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हैबियस कॉर्पस, मंदामस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी, कोवरंतो। ठीक है, ये पांच टाइप की होती हैं। क्या होती हैं अभी बात करेंगे। उसके अलावा पार्लियामेंट, इसमें जो तीसरी प्रोविजन है आर्टिकल 32 में, इसमें पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है अगर ये रिट्स इश्यू करने की या डायरेक्शन या ऑर्डर देने की पावर जो है वो किसी और कोर्ट को दे सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के पास है, पर ये एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके अलावा हाई कोर्ट को भी दिया, हाई कोर्ट को दिया आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट को दिया आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे रखी है, अगर वो चाहें तो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकते हैं, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को एम्पावर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो सकता है, तो वो डायरेक्टली उसके पास जाएगा, उस कोर्ट के पास, और ये वो वाला जो कोर्ट होगा फिर वो रिट्स इश्यू कर सकता है। वॉट इट? पर आज तक ऐसा हमारे पार्लियामेंट ने आज तक कभी किया नहीं है। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर पार्लियामेंट ने अगर किसी कोर्ट को एम्पावर कर दिया, तो जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के केसेस को सुनने की, वो क्या कहते हैं, खत्म हो जाएगी। तो दिस कैन बी डन विदाउट प्रेजिडिस, ठीक है। एनी अदर कोर्ट हियर डज नॉट इंक्लूड। और जो ये अदर कोर्ट की बात लिखी हुई है इसमें हाई कोर्ट नहीं आता, क्योंकि हाई कोर्ट को तो के पास तो ऑलरेडी ये पावर है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा फोर्थ वाला बात है, मतलब जो फोर्थ प्रोविजन है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। मतलब आप अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा कहां पहुंचोगे? सुप्रीम कोर्ट। तो इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अंटिल एंड अनलेस आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ना करो। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। इसको प्रेसिडेंट भी सस्पेंड, मतलब इसको सस्पेंड कब किया जा सकता है? जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ना कहे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोल रखा है कि प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है टू राइट टू मूव एनी कोर्ट ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी। मतलब जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होगी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपको यह बताना है, आज तक हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगी है? हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी इज इनफोर्स्ड? आपकी कंट्री में यानी इंडिया में आज तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है, और इसमें से कितनी बार ये एक्सटर्नल रीजन के वजह से लगाई गई थी, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगाई गई थी, और कितनी बार इंटरनल एग्रेशन की वजह से लगाई गई थी? क्वेश्चन क्लियर है? आपको ये बताना है हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी इज इंपोज्ड इन अ कंट्री, और फिर उसके बाद ये भी बताना है एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से कितनी बार और इंटरनल एग्रेशन की वजह से कितनी बार लगाई गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको एम्पावर कर रखा है? प्रेसिडेंट को। हमारा प्रेसिडेंट चाहे तो राइट टू मूव कोर्ट को सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के दौरान। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, और ये बात आर्टिकल 359 के तहत है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, पेपर में डायरेक्टली आ जाएगा कि कौन सस्पेंड कर सकता है, तो प्रेसिडेंट। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट। ये जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ये एकदम सॉरी हाँ ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो ओरिजिनल है और वाइड है। उसके अलावा ओरिजिनली हमारा मतलब ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट या फिर सॉरी
आपके फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो सकता है, होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपको जरूरी नहीं है कि आप पहले अपील करो, मतलब पहले हाई कोर्ट में जाओ फिर अपील करो फिर जाओ, तो ये होता है ओरिजिनल का मतलब। दूसरी चीज वाइड का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ ऑर्डर इश्यू करने वाली बात नहीं है, डायरेक्शन इश्यू करने वाली बात नहीं है, पर आप हर किस्म का रिट भी इश्यू कर सकते हो। इनमें क्या डिफरेंस होता है विल सी ग्रेजुअली। अभी आप ये समझ लो कि ये ऑर्डर भी दे सकते हैं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं, या फिर कोई रिट्स भी इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा ये रिट्स होती क्या है, इसका मतलब अभी समझाया गया है, ठीक है। अब जो आर्टिकल 32 है वो एक तरीके से क्या बताता है, या उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको इफेक्टिव एक्सपेडिशियस इन एक्सपेंसिव समरी रेमेडी मिल सके फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। और जो फंडामेंटल राइट गारंटी किए गए हैं, मतलब इसमें जो आर्टिकल 32 के तहत जो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के रिलेशन में जा सकते हो, ना ही किसी और किसी राइट, जैसे कि नॉन फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टेचुटरी राइट, कस्टमरी राइट। मतलब आपके और कोई से राइट का वायलेशन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन में ही जा सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज सिन क्वा नन, इसका मतलब है मोस्ट असेंशियल फॉर दी एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 32। इसका मतलब आर्टिकल 32 जो है वो ये डिटरमाइन नहीं करता है कि कोई भी जो केस है या क्वेश्चन है वो आपके फंडामेंटल राइट को इन्वॉल्व करता है या नहीं करता है। ये डायरेक्टली बस ये चीज चेक करता है, मतलब ये डायरेक्टली बस उस चीज को चेक करता है कि जब आपके फंडामेंटल राइट डायरेक्टली इन्फ्रिंज हो रहे हो उसी एक्शन को। मतलब देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, आर्टिकल जो 32 है कैन नॉट बी इन्वोक्ड सिंपली टू डिटरमाइन दी कॉन्स्टिट्यूएंस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब सिर्फ ये चेक करने के लिए नहीं है कि आपके जो लॉ बनाया गया है, जो एक्शन लिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए बनाया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ या नहीं हुआ। व्हाट इट, अच्छा, इन केस ऑफ द इन्फोर्समेंट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट के ही पास पावर है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि कॉन्करेंट पावर हाई कोर्ट को भी दी गई है अंडर आर्टिकल 226। ये जो है ओरिजिनल पावर जो है और हाई कोर्ट के पास, ये मतलब हाई कोर्ट के पास भी ये ओरिजिनल पावर है कि वो डायरेक्शन ऑर्डर्स या रिट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के पास ये पावर है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जब अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, या फिर आपका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, वहां पे ये सारे मतलब समझेंगे। तो अभी तो आप बस ये समझ लो ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि नॉट बाय द वे ऑफ अपील डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो ये आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ चाहे हाई कोर्ट में चले जाओ। फिर बात होती है कि वो नैरो या वाइड है, तो अभी उसकी और बात कर रहे हैं। मतलब एक होता है नैरो वाइड, जो मैंने बताया कि ऑर्डर भी दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो, रिट इश्यू कर सकते हो, तो वाइड है पावर। लेकिन दूसरी चीज क्या कहते हैं उसके अलावा, ये होता है स्कोप। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इश्यू करने की वो काफी नैरो है। कैसी है, नैरो पावर है, लेकिन हाई कोर्ट के पास वो जो पावर है वो वाइड है। नैरो का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो जो ये रिट्स इश्यू कर सकती है वो सिर्फ कर सकती है फंडामेंटल के राइट के वॉलेशन में, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो इसको इश्यू कर सकती हैं रिट्स को अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो, आपके क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वॉलेशन हो, स्टेचुटरी राइट का वॉलेशन हो, या फिर आपके किसी भी लीगल राइट का वॉलेशन हो, किसी भी केस में वो इन रिट्स को इश्यू कर सकती है। इज इट ओके, तो यानी इसीलिए बोला जाता है हाई कोर्ट की जो पावर है वो वाइडर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो स्कोप है वो नैरोअर है, इस सेंस में बोला जाता है। आगे चलते हैं, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। देखिए, सिंस राइट जो गारंटेड है बाय द आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, तो इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेट रेमेडी इज नो बार टू रिलीफ। कि मतलब इसका मतलब ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए सरकार ने या हमारे एग्जीक्यूटिव ने कोई दूसरा तरीका निकाल दिया अगर रेमेडी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ये आर्टिकल 32 है उसके ऊपर किसी किस्म की लिमिट लगा दी गई है, नहीं, वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। पर हाँ, एक तरीके से आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करने के लिए ये बोला गया है कि आप हाईकोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिट्स की। अच्छा, इसमें यह चीज नहीं बताया क्या, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव वॉयलेटेड फाइन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली, ओके ठीक है। तो यह सारा पोर्शन कवर हो गया। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे रिट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत कुछ रिट्स को इश्यू कर सकते हैं। उनके नाम है हैबियस कॉर्पस, मंदामस, प्रोहिबिशन, सर्चियरी एंड कोवरंटो, ठीक है। ये पांच रिट्स हैं।
अब पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 32 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को एम्पावर कर सकती है रिट्स इश्यू करने के लिए, लेकिन आज तक ऐसी कोई प्रोविजन को पास ही नहीं किया गया है। तो ये रिट्स इश्यू करने की पावर किस किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अभी तक, और किसी कोर्ट के पास नहीं है इंडिया में। 1950 यानी जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था उससे पहले ये रिट्स इश्यू करने की पावर सिर्फ 3 हाईकोर्ट्स के पास थी, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के पास। क्लियर? लेकिन आर्टिकल 226 ने अब ये सारे हाई कोर्ट्स के पास पावर दे दी है, मतलब कहीं का भी हाई कोर्ट हो, चाहे एमपी का हो या फिर महाराष्ट्र का हो, हर कोई इसको लॉन्च, मतलब हर कोई इसको क्या कहते हैं, इशू कर सकता है रिट्स को। अब रिट्स का मतलब समझते हैं। देखिए, रिट्स का जो ये कॉन्सेप्ट है हमने ये इंग्लिश लॉ से बोरो किया है, ठीक है? और इनका वहां पे क्या मतलब होता है? प्रेरोगेटिव रिट्स, मतलब प्रेरोगेटिव मतलब का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट होना, ठीक है? प्रेरोगेटिव का मतलब होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब वो पावर है आपके पास। तो ये जो इंग्लैंड में क्या होता था, ये जो प्रेरोगेटिव होता था किंग का, प्रेरोगेटिव का मतलब काम भी होता है, तो ये किंग का काम होता था इन रिट्स को इश्यू करने का, ठीक है? और क्यों होता था? क्योंकि उसको फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता है, और हमारे यहाँ फाउंटेन ऑफ जस्टिस कोर्ट्स को माना जाता है, राइट? तो लेटर ऑन फिर इंग्लैंड में क्या हुआ, ये जो रिट्स इश्यू करने का काम हाई कोर्ट के पास शिफ्ट हो गया और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी के तौर पे काम करने लगा था। तो ये चीज हमने कहां से बोरो की है? इंग्लैंड से, यानी ब्रिटेन से, यानी ब्रिटिशर से। इज इट क्लियर? तो ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लिया। अब करते हैं बात रिट ज्यूरिस्डिक्शन के पावर की। तो जो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो डिफरेंट है हाई कोर्ट से 3 मायनों में। वो 3 मायने क्या है एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट को इश्यू कर सकता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो रिट्स को इश्यू कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए, फॉर एनी अदर पर्पस का मतलब है कि लीगल राइट के लिए भी। तो इसीलिए जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या है? नैरो है देन दी हाई कोर्ट। समझ गए इसका क्या मतलब है? चलो बहुत बढ़िया। दूसरा क्या, दूसरा क्यों डिफरेंट है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इश्यू कर सकता है इन रिलेशन टू एनी पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट इश्यू कर सकती है टू द पर्सन रिसाइडिंग या फिर एनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड विद इन, मतलब उसकी टेरिटरी में आना चाहिए। जैसे एमपी का हाईकोर्ट सिर्फ किसके लिए कर सकता है कि उसके जो टेरिटरी है उसके भीतर भीतर वो गवर्नमेंट आए या वो इंसान आए, या फिर अगर मान लीजिए पर्सन अगर भाग के अभी चला गया है वेस्ट बंगाल में तो इसके लिए भी इशू कर सकती है, लेकिन जो क्राइम है, जो केस है वो एमपी से रिलेटेड होना चाहिए तभी। तो आप देख रहे हो, तो यानी टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन विद रिगार्ड टू द रेट्स सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है और हाई कोर्ट की कम है। उसके अलावा ये होगा दो प्रोविजन। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे प्रोविजन के बारे में। तीसरा प्रोविजन क्या कहता है कि जो रेमेडी है आर्टिकल 32 के तहत वो एक फंडामेंटल राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट कल को ये नहीं बोल सकता भैया मैं अभी बिजी हूं आप बाद में आना, ऐसा कभी नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की पास ये जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो रिट इश्यू करेगी, नहीं चाहे तो मना भी कर सकती है, रिफ्यूज टू एक्सरसाइज। समझ गए? क्योंकि ये जो आर्टिकल 32 है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने अपने इस काम से हट नहीं सकती पीछे, लेकिन हाई कोर्ट हट सकते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आर्टिकल जो 32 है डज नॉट मेयरली कंफर्म पावर ऑन दी सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू दी रेट, ठीक है? ये एक एक तरीके से वो उसका क्या कहते हैं मेन काम ही हो गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है इसीलिए उसको ऐसा बोला जाता है इट इज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स, रेस्ट यू जस्ट गो थ्रू इट। तो ये होगा तीन तरीके जिस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि जो पावर है रिट ज्यूरिस्डिक्शन की दैट इज डिफरेंट फॉर दी सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट फॉर दी हाई कोर्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग और स्कोप की, जो डिफरेंट काइंड की रिट्स हैं। एक एक करके जल्दी जल्दी देखेंगे सारी रिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैबियस कॉर्पस के बारे में। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म जिसका अगर इंग्लिश में अनुवाद किया जाए तो उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जल्दी से एक एनालॉजी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लड़का है राम, मैंने राम को किडनैप कर लिया, सबको पता है, या मैंने मान लो बाजार से किडनैप किया या किसी को आइडिया कि मैंने राम को किडनैप किया है। अब कोई जाता है कोर्ट में और कोर्ट में बोलता है भाई राम को किडनैप कर लिया गया है और आलोक ने किया है, ठीक है? तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि सरकार, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो रिट इश्यू कर सकती है कि सुनो तुमने जो इस लड़के को बंदी बना के रखा है ना इसको जरा पेश करो हमारे सामने। तो ये होता है हैवियस कॉर्पस की रिट। क्लियर हो गई बात? इतना ही आसान है। तो जिसको जिस भी पर्सन को डिटेन कर रखा है, अब उस पर्सन को डिटेन कोई भी कर सकता है, सरकार ने किया कर रखा हो, एग्जीक्यूटिव ने कर रखा हो, पंचायत ने कर रखा हो, आलोक ने कर रखा हो, कोई ने भी कर रखा होगा, किसी के भी खिलाफ इस रिट को इश्यू कर दिया जा सकता है, किसी के भी खिलाफ, चाहे फिर वो पब्लिक बॉडी हो या प्राइवेट बॉडी हो।
और उसके बाद वो चेक करते हैं कि जो डिटेन किया गया है बंदे को किस कारण से किया गया है और क्या वो लीगल है या नहीं है। अगर मान लीजिए लीगल पाया जाता है तो उसको फ्री छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं छोड़ा जाएगा। ये जो हैबियस कॉर्पस है वो बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इश्यू किया जा सकता है। और इसमें यह भी बोला गया ये तब इश्यू नहीं किया जाएगा अगर डिटेंशन लॉफुल है। अगर डिटेंशन लॉफुल होगा, अगर डिटेंशन किसी ने, अगर मान लीजिए जो हमारी पार्लियामेंट है या विधानसभा है उसका कंटेम्प्ट किया है या कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है या फिर वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, मतलब फॉर एग्जांपल जो समझ लीजिए आपका सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वो ये रिट को इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, वो तो आपको पहले ही से पता है। तो ये हो गया हैबियस कॉर्पस, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, और अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे दोबारा कभी भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड रेट की बात करते हैं, दैट इज मंदमस। अब ये सेकंड मंदमस जो रेट है इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। क्या होता है वी कमांड? तो पहले तो मतलब ही समझ लो वी कमांड। ठीक है, इसमें एक तरीके से क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसी पब्लिक बॉडी है जो अपना काम नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रेट इश्यू करती है और बोलती है हम आपको कमांड करते हैं, हम आपको कमांड करते हैं कि आप ये काम करो या आपको ये काम करना चाहिए। सो ये होता है मंदामस का मतलब। तो ये कौन इश्यू करता है? कोर्ट इश्यू करता है टू अ पब्लिक ऑफिशियल। इसको पब्लिक ऑफिशियल जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को नहीं कर रहा है या मना कर रहा है करने से, उसके खिलाफ इसको इश्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इश्यू होता है वो किसके खिलाफ होता है? या तो पब्लिक बॉडी के खिलाफ हो सकता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन के खिलाफ, इंपीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या गवर्नमेंट, यानी ये प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता है। मतलब अगर कल को मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं तो मेरे लिए ये वाला रेट इश्यू नहीं हो सकता कि ये बोल के कि आलोक तुम वीडियो अपलोड करो, क्योंकि मैं प्राइवेट बॉडी हूं भाई, मैं पब्लिक बॉडी नहीं हूं। तो ये हो गया आपका मंडमस वाला। मंडमस किसके खिलाफ इशू नहीं हो सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के लिए, टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नॉट पजेस स्टेचुटरी फोर्स। उसके अलावा व्हेन दी ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी, मतलब अगर मान लीजिए अगर कोई पब्लिक बॉडी भी है लेकिन उसकी ड्यूटी कैसी है? डिस्क्रिशनरी है। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी का पालन करना, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर मान लीजिए सरकार जो है वो डीपीएसपी फॉलो करे या ना करे, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। तो इसके लिए भी वो मंडमस को रिलीज नहीं कर सकते हैं, यानी इश्यू नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए नहीं कर सकते हैं, और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के खिलाफ जो मंदमस है वो इश्यू नहीं किया जा सकता है। देखिए जो एक्सेप्शंस होते हैं ना वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए प्लीज। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे, हमारे जो तीसरा वाला जो क्या कहते हैं ये है आपका रेट, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई इसमें क्या बोला जाता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब टू फॉरबिड, प्रोहिबिट करना, किसी को प्रोहिबिट करना यानी किसी को मना करना, रोकना। तो ये हाई कोर्ट रिलीज करती है लोअर कोर्ट के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगी हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट करेगी सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट करेगी सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए कि भाई आप ये काम, ये जो केस आप सुन रहे हो आप इसको नहीं सुनोगे। ठीक है, तो ये होती है ये वाली रेट। ऐसा वो कब करेंगे कि भाई आप ये केस नहीं सुन सकते, ये केस नहीं रन कर सकते, या तो वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल गए हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है और वो केस सुनना है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये तो उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता नहीं है, तो वो ये रेट इश्यू कर सकते हैं, या फिर वो किसी और की पावर को असर्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस केसेस में। ठीक है, तो ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए इश्यू करती है, और ये एक तरीके से जो मंडमस वाली रेट थी वो एक्टिविटी प्रमोट करती है। वो क्या प्रमोट करती है? एक्टिविटी प्रमोट करती है। उसके अलावा जो प्रोहिबिशन है वो इनएक्टिविटी प्रमोट करती है, मतलब मंडमस काम करने के लिए बोलती है और प्रोहिबिशन काम ना करने के लिए बोलती है। और ये सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ इश्यू किया जा सकता है, मतलब जुडिशियल का मतलब जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, इनके खिलाफ ही रिलीज किया जा सकता है। और यानी अगर ये इनके खिलाफ ही रिलीज किया जा सकता है तो किसके खिलाफ रिलीज नहीं किया जा सकता है? अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो ये किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है। ये नहीं किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ, लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग सर्चियरी की। क्या है सर्चियरी? तो ये सर्चियरी का मतलब क्या है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्मड। मतलब सर्चियरी क्या करती है? ये हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के लिए के खिलाफ इश्यू करती है, और उनको बोलती है कि किस लिए बोलती है कि या तो आप ये केस हमारे पास ट्रांसफर करो, या जो आपने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर मान्य नहीं होगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, या फिर कि ऑर्डर ट्रांसफर, या तो केस को ट्रांसफर कर लिया है या फिर स्क्वैश करने के लिए, जो ऑर्डर दिया है उसको कैंसिल आउट करने के लिए। ये ऐसा वो ये रेट कब इशू करते हैं? या तो वो कोई जो लोअर कोर्ट है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकल के कोई केस सुन रही हो, या फिर वहां पे जो ज्यूरिसडिक्शन है या तो
ज्यादा निकल गई हो बाहर, या फिर उसके पास उसका अधिकार ही ना हो, या फिर किसी लॉ में ही एरर कर दिया हो, ठीक है। ये जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन वाला जो रेट थी वो सिर्फ प्रिवेंटिव थी, मतलब वो कुछ बुरा ना हो उसके लिए थी, लेकिन सर्चरी वाली जो रेट है वो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है। व्हाट द पॉइंट? अच्छा, इसमें कुछ और भी चीजें बोली गई हैं, जैसे कि प्रीवियसली जो ये रिट थी सर्चरी वाली कुड बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। पहले ये सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ ही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ नहीं थी, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि सर्चरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के भी खिलाफ रिलीज की जा सकती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी रिलीज की जा सकती है। तो अब जो ये प्रोहिबिशन है, जैसे प्रोहिबिशन आपकी क्या क्या थी, जैसे प्रोहिबिशन को आप लेजिस्लेटिव बॉडी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ रिलीज नहीं कर सकते थे, ऐसी सर्चरी को भी लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं कर सकते, लेकिन प्रोहिबिशन को आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ भी नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन सर्चरी को आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनको ढंग से समझ लीजिए। अब बात करते हैं क्वो वरंतो के बारे में। तो जो ये क्वो वरंतो वाली है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाई वॉट वॉरंट, बाई वॉट अथॉरिटी और वॉरंट, इज इट क्लियर? तो देखिए, अब इसमें ये बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कोई आपकी पोस्ट पे आके, मतलब कोई मैं आप कल कल जाता हूं और मैं कल से बोलने लगता हूं कि मैं भाई ये डिसीजन मैंने लिया है, और मेरा जो डिसीजन है, आप बोलोगे कि आप ऐसा डिसीजन कैसे दे सकते हो, तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि आपके राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो वो मुझसे पूछ सकते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी मैंने ये जो जो लॉ बनाया है किस अथॉरिटी से बनाया है, मेरे पास क्या वारंट था। तो इसको बोलते हैं को वारंटो, यानी इसमें एक तरीके से किसी भी पर्सन या पब्लिक ऑफिस की लीगैलिटी, मतलब अगर मैं क्लेम करूं कि मैं आज कलेक्टर हूं, तो इस क्लेम को वेरीफाई या इसकी लीगैलिटी चेक की जाती है। तो फिर मैं कल को बोलूंगा सर मैंने तो भाई यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है, इसीलिए मैं आज यहां पे कलेक्टर हूं, समझ गए आप? तो यानी कि कोई भी इंसान पब्लिक ऑफिस का इलीगल असर्पेशन ना कर ले, इलीगली एक्वायर ना कर ले, उसके लिए है क्वो वारंटो। ये भी एक तरीके से प्रिवेंटिव ही है, ये इश्यूड की जाती है सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिसेस के लिए। जैसे किसी भी बंदे को अगर मैंने कल को प्रेसिडेंट बना दिया, तो उससे पूछा जा सकता है बाय व्हाट वारंट, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिस जो परमानेंट कैरेक्टर का है, इन कैन नॉट बी इश्यूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस। प्राइवेट या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ ये इश्यू नहीं की जा सकती है। बाकी ये जो बाकी की जो चार रेट थी, वो सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही जा सकता था वहां पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सन जा सकता है, मतलब कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन। जैसे आज मैं जा सकता हूँ और बोल सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं आज के टाइम पे, वो किस हैसियत से प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं यही काम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट यानी मंत्री वाली पोस्टों के लिए ये वाली रिट इश्यू नहीं की जा सकती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, वरना लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है तो आपका भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो अब जो आज अब आर्टिकल 33 के ऑनवर्ड्स वाली बात है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर समाप्त करने से पहले आज के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए, और जिसके ऊपर आपको आंसर लिखना है, प्लीज दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर आप लिखिए और पार्टिसिपेट कीजिए। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू योर पार्ट ऑफ वर्क, तो मैं इन वीडियोज को अपलोड नहीं करूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने रिसेंटली GS 1 की भी पेपर सीरीज, जो लेक्चर सीरीज है, उसको स्टार्ट करने का सोचा है। तो अगर आप लोग ढंग से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मैं GS 2 के वीडियोस नहीं बनाऊंगा, सिर्फ GS 1 के बनाऊंगा। और अगर आप लोग GS 1 में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो मैं MPPSC के वीडियो ही बनाना बंद कर दूंगा ऑल टुगेदर, फिर मैं किसी और सब्जेक्ट के लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो इसीलिए आपका पार्टिसिपेशन काफी जरूरी है। तो अब हम देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्या। हाँ, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये है, आपको राइट अ शॉर्ट नोट या फिर नहीं इनलिस्ट द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आपको डिफरेंस बताना है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। और दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको यह बताना है, हाईलाइट दी इश्यूज रिलेटेड हाईलाइट दी इश्यूज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाईलाइट दी इश्यूज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन
प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब आज के टाइम पे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसमें उससे रिलेटेड क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, हाईलाइट दी इश्यूज और कॉन्ट्रोवर्सीज, कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों ही आंसर आपको 100 शब्दों में लिखने हैं और आपके आंसर की जो मार्किंग है वो है 6 मार्क्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो प्लीज आप इसका आंसर लिखना है, आपको एक ब्लैंक पेज लेना है उसके ऊपर आपको आंसर लिख के मुझको ये सेंड करना है, ठीक है? आप ईमेल कर देना या फिर टेलीग्राम पे भी मुझे भेज सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।